खुला आसमान, खूबसूरत वादियाँ, न सांसों पर प्रदूषण का पहरा, न दम घोटू हवा। ये तस्वीरें हैं हिमाचल के शिमला की। शिमला एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होने लगा है। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में फिर एक बार पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए सैलानी पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। शिमला में आए हैं, यहाँ आके तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल हल्का हल्का सा फील हो रहा है। मतलब सांस भी लेते हैं ना तो मजा आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम भी इतना अच्छा है, वहाँ से टेम्परेचर में भी बहुत फर्क है। दिल लग रहा है, बिल्कुल मजा आ गया। हिमाचल के तीनों ही पर्यटन स्थल मनाली, शिमला और धर्मशाला में हवा साफ है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 अक्टूबर तक के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में शिमला की हवा सबसे साफ है। शिमला में सबसे कम 28 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो वहीं पर्यटन नगरी धर्मशाला में 47 एयर क्वालिटी इंडेक्स है और मंडी के सुंदरनगर में 41 AQI लेवल है। जहाँ शुद्ध हवा होगी, शुद्ध वातावरण होगा, लोग उसी तरफ भागेंगे। अपने स्वास्थ्य की सभी को चिंता है, तो मेरा मानना यह है कि नीचे जो अभी प्लेन्स के अंदर थोड़ा सा पाला और जो ओस गिर रही है उसकी वजह से, और प्लस जो पराली वगैरह जो जलती है या वहाँ पे जो लोग क्लीनिंग कर रहे हैं आजकल खेतों की और बाकी चीज़ें, तो धुंध ज़्यादा पड़ती है प्लेन एरियाज़ में आजकल, तो थोड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर फ़र्क पड़ता है। तो लोग इस तरह की धूप और जो बिल्कुल एकदम स्काई ब्लू है पूरे प्रदेश का हमारे, और एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर से बहुत अच्छा है। जाहिर है दिल्ली की दमघोटू हवा से बचने के लिए लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं। शिमला के अलावा मनाली और धर्मशाला भी सैलानियों से चहक रहे हैं। पहाड़ों पर पहुंचने वाले देशी विदेशी सैलानियों को कुदरत का दोहरा गिफ्ट मिलता है। एक तो साफ आबोहवा और उसके साथ खूबसूरत नज़ारे, मतलब सोने पे सुहागा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।